हेलो गाइस, माय नेम इज़ उमेर अख्तर। आई एम नॉट अ व्लॉगर, जस्ट आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अभी मैं पिछले कुछ दिन पहले मैं एक टूर पर गया था, उसी का ये पूरा वीडियो है। मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि डालना चाहिए। काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया है मैंने, वीडियो वगैरह, इमेजेस वगैरह, ये सब। और काफ़ी कुछ मैं आपको बताऊँगा ऑफ सीज़न में जाने का, नुकसान फ़ायदे ये सब, और क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेकर जाना चाहिए, और कब आपको आगे नहीं जाना चाहिए और कब आपको आगे जाना चाहिए, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो और कोई शुरू करते हैं क्या हुआ वीडियो नहीं है। मेरे पास जितनी क्लिप्स थी वो सब मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं, उनको रिकॉर्ड करने के बाद एक मर्ज करके मैं वीडियो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पसंद करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है। मेहनत क्या लगी है, बस मैंने तो मेमोरीज़ के लिए सब रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने सोचा इतना सारा डेटा है अब इसे व्लॉग ही बनाने देना चाहिए, क्योंकि मैं भी आगे भी जाने वाला हूँ, तो आगे भी आप देखेंगे। इससे पहले भी मेरा एक टूर रहा है, जैसे नैनीताल का, मसूरी का, लेकिन बहुत छोटे छोटे, नया हूँ लेकिन आ गया। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, इसमें भी बहुत कुछ है, आप देखें, पूरा देखें प्लीज़। वीडियो को स्किप ना करें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो मेरे साथ थी मेरी रानी, मतलब बाइक जो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, जिक्सर 155 2017 मॉडल। काफ़ी कुछ काम करवाया इसके अंदर, करोल बाग से। इसके अंदर मैंने हैंड कार्ड्स वगैरह सब कुछ लगवाया और काफ़ी मैंने शॉपिंग करी इसकी, मतलब टूर पर जाने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं दिल्ली, मतलब दिल्ली में था। दिल्ली से मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से अपने गांव जाऊँ, जहाँ पर एक मेला था। उस मेले में एक दिन रुकने के बाद मैं वहाँ से निकलूँगा। तो ये है मेरा गाँव, यहाँ पर एक मेले में काफ़ी मस्ती की हमने रोज रात। फिर सुबह 6 बजे हम वहाँ से निकले। तो यह है मेरा गांव, जहाँ से 644 किलोमीटर गूगल मैप से दिखा रहा था। हम यहाँ से निकले और सीधा गजरोला जो है NH24 पर पड़ता है, उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर सीधा, मतलब दिल्ली NH24 पे। दिल्ली से हमें पकड़ना था दिल्ली टू चंडीगढ़ वाला हाईवे। तो अब हम पहुंच चुके थे हाईवे पर, जो दिल्ली से चंडीगढ़ तक सीधा सीधा था, और अब बच चुके थे तकरीबन 10 के आसपास। सोचा तो था सीधा पहला स्टॉप हम वहीं लेंगे चंडीगढ़ में, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाता भाई। बहुत ही थकान हो जाती इतना लंबा टूर पर चलने के बाद, वो भी दो बंदे। मेरे साथ मेरा भाई अब्दुल्ला था। तो हमारा फर्स्ट स्टॉप हुआ कुरुक्षेत्र हरियाणा, जहाँ हमने जूस पिया, क्योंकि हमने कोई नाश्ता कुछ नहीं किया था और हम लगातार चल ही रहे थे। 3 से 4 घंटे हो गए थे तकरीबन। तो अब हम पहुँचने वाले थे चंडीगढ़। इरादा था चंडीगढ़ में रुकने का, लेकिन मैंने पहले ही प्लान कैंसिल कर दिया था, क्योंकि टाइम की बचत करनी थी। पहाड़ों पर रात में बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। वहाँ के लोग भी नहीं चलाते रातों में बाइक ज़्यादातर। अब पहुँच गए थे हम न्यू चंडीगढ़ छोड़ दिया था, यहाँ पर कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई हमने, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स बहुत सख्त हैं, फॉलो करने ही पड़ते हैं, नहीं तो तुम्हारा चलान कब कट जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हम यहाँ से अब सीधा मनाली रुकने का इरादा था, क्योंकि अब टाइम भी कम था और मुझे रात में वहाँ पर गाड़ी नहीं चलानी थी, इसलिए मैं सीधा चंडीगढ़ में भी नहीं रुका और कर दी स्टार्ट हमने चढ़ाई चंडीगढ़ के बाद।
तो अब हमने फिर से एक छोटा सा ब्रेक लिया, क्योंकि भाई इंसान है मशीन तो है नहीं, ब्रेक लेना ही था। हमें भी काफ़ी थक गए थे, हमने सोचा इसके बाद अब ब्रेक लेना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम बचा ही नहीं था। अब तक 5:30 के आसपास बच चुके थे, 15 नहीं तकरीबन 10 घंटे हम लगातार चल चुके थे अभी तक, और हमने कुल्लू भी नहीं पकड़ा था, और बस कुल्लू आने ही वाला था थोड़ी देर में। ऐसे चले और तो अब हम पहुंच गए थे कुल्लू से पहले। काफ़ी अंधेरा हो गया था और थक गए थे इससे पहले कि हम वीडियो वगैरह फ़ोटो कुछ बना ही नहीं पाए। लगातार चलते रहे। रोड काफ़ी मुश्किल आ गया था, थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि परमानेंट चल रहे थे। हमने सिर्फ एक ही ब्रेक लिया था कुरुक्षेत्र में, या कुरुक्षेत्र के बाद ऊपर पहाड़ी के ऊपर आने के बाद सिर्फ 10 मिनट रुके थे हम, इसके बाद चल रहे थे। अब आ गए थे रोड बहुत कर्वी, इतने कर्वी कि डर तो लगता ही है भाई, रात का टाइम है और 20 से 25 से ऊपर तुम चला ही नहीं सकते। इसके बाद हम पहुँचे कुल्लू से पहले टनल में, जो टनल पड़ता है कुल्लू से कुल्लू तक डायरेक्ट। टनल को देख के थोड़ी राहत मिली, क्योंकि हमने सुना था कि टनल पास में ही है कुल्लू के, और लेकिन काफ़ी धूल थी यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा धूल थी। टनल में हम बाइक तेज नहीं चला सकते थे, क्योंकि हमारा शीशा वीशा काफ़ी गंदा हो गया था हेलमेट का, तो चले जा रहे थे। और अब तक हमें ठंड भी लगने लगी थी काफ़ी, क्योंकि रास्ते में कीचड़ पानी वगैरह आया काफ़ी जगहों पर। तो यहाँ पर हमारे कपड़े वपड़े थोड़े गीले हो गए थे, पैंट वगैरह, तो उसकी वजह से ठंड लगने लगी, और वैसे भी यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया था पहले के मुकाबले। रात का टाइम था, रात में और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो अब हमने सोचा था कि अब नहीं रुकना कहीं भी। मेरे पीछे बैठा हुआ मेरा भाई, मेरा दोस्त कह लो अब्दुल्ला, इसका कहना था कि हम कुल्लू में रुकेंगे, क्योंकि कुल्लू से अभी आगे मनाली था जहाँ पे हमने होटल वगैरह बुक किया हुआ था। मैंने कहा नहीं भाई, मैं मनाली में ही रुकूंगा, क्योंकि मुझे कल के लिए रास्ता नहीं छोड़ना है कल, क्योंकि कल हमें आगे बढ़ना था, फिर मनाली से हमें रोहतांग जाना था, इसलिए मैंने कहा भाई नहीं, मैं मनाली ही रुकूंगा। तो बेचारा नहीं मान रहा था, क्योंकि उसकी हिसी तेजी लग चुकी थी, तो वो भी थक गया था बहुत ज़्यादा, मतलब हाथ पैर दर्द तक करने लगे थे। अब मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कि कब कुल्लू आए, क्योंकि यहाँ से भी तकरीबन कुल्लू अभी 20-25 किलोमीटर था, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता है मुझे, अंदाज़ा बता रहा हूँ इतना था। और फिर कुल्लू से था मनाली, इतना ही था, 20-25 किलोमीटर। मान लो अभी हमें रात में तकरीबन 8 बज गए थे यहाँ पर, यहाँ तक पहुँचने में अभी तक हम 15 घंटे चल चुके थे, क्योंकि सेफ राइड करनी थी, ज़्यादा तेज़ भगा ही नहीं मैंने इसलिए। तो अभी हमें पहाड़ी रोडों के हिसाब से चलना था तकरीबन 1 घंटा, और 1 घंटे चलने वाली हिम्मत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी भाई मेरा अपना एक फंडा,
कि बस जो ठान लिया वो ठान लिया, करना है तो करना है, अब कुछ भी हो मुझे मनाली तक पहुंचना ही था किसी भी हाल में। चलो, लेकिन इसके बाद हमने कोई वीडियो बनाई नहीं, बहुत ज़्यादा थक गए थे, रात भी हो गई थी, बस अब हमें होटल में रुकना था, आराम करना था। तो अब देखते हैं आगे सुबह की वीडियो, लेट्स एंजॉय। कुल्लू काफ़ी खूबसूरत है, जो लोग गए होंगे रात में इस टाइम पर, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बहुत प्यारा है कुल्लू, अलग ही नज़ारे हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो हमें रुकना ही नहीं था, अब सीधा मनाली रुकना था, लेकिन अब्दुल्ला बोल रहा था बात। तो हमने फिर रात आराम किया, सुबह लेट उठे, होटल में थे, अब हम प्लान कर रहे थे कि कैसे कैसे जाना है। हमें पहले जाना था रोहतांग, रोहतांग के बाद जाना था केलोंग, केलोंग से आगे मैं जितना चाहता था चला जाऊँ, लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि हमारे पास नहीं था परमिट। परमिट बनवाना बहुत ज़रूरी होता है, ये अक्सर लोग प्रॉब्लम कर हो जाती है बाइक से जाने वालों को, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, कुछ लोगों को पता होता है तो इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसके बिना आगे जाने ही नहीं देंगे। तो यही हुआ हमारे साथ, हम वहाँ पर गए, वहाँ पर पता चला कि आप ऑनलाइन कर लो, आप स्क्रीनशॉट दिखा दो। हमने काफ़ी कोशिश की, ट्रांजैक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आई, नहीं हो पाया, तकरीबन 3 घंटे हमने वहीं गुजार दिए। अब टाइम हो गया था 7:30-4 हो गए थे। फिर हमें वहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था और बारिश भी पड़ने लगी थी, मतलब ठंड लगने लगी, हम गीले हो गए थे। तो हमने डिसाइड करा चलो अब वापस चलते हैं, अब कल ही चलेंगे हम अपना रोहतांग पास से केलोंग। तो वापस आए, फिर से हमने होटल स्टे किया, नेक्स्ट डे हम फिर से चल पड़े। नेक्स्ट डे हमने सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था, परमिट वगैरह का, बस एक ऊपर वाले की खैर थी कि चलो नहीं गए क्योंकि उस दिन बारिश बहुत हुई थी, फिर वहाँ पे बर्फ़बारी भी हुई थी ऊपर रोहतांग में, पता चला हमें। तब हम चल दिए थे, अगले दिन नज़ारे देखने चालू, काफ़ी मुश्किल रोड थे लेकिन मज़ा आ रहा था, फिर से वही एनर्जी थी हमारे पास जो अब हम अपने घर से चले थे। मतलब अलग ही नज़ारे हैं भाई, जो नहीं गया वो जाए और ज़रूर जाए, अलग ही मज़ा आता है। मतलब तुम्हें पता चलता है कि प्रकृति मतलब नेचर कितना ताकतवर है, कि हम क्या है उसके सामने, कुछ भी नहीं है, एक अलग ही फील आता है। और सबसे बड़ी बात, हम थे ऑफ सीज़न में, आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि एकदम खाली खाली सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, रोड हमारे अलावा आपको कुछ दिखेगा भी नहीं है आपको ज़्यादातर, बस एक रोहतांग पास पे हमें भीड़ मिलने वाली थी, लेकिन मज़ा आ रहा था। Oh,
फर्स्ट गोल अचीव कर लिया था। बहुत खुशी थी लेकिन थकान बहुत थी और ठंड बहुत थी, जबकि हम पूरे इंतज़ाम थे फिर भी। और पहली बर्फ़ हमें यहाँ देखने को मिली थी और जाते ही हमें स्नोफॉल होने लगा था। ये इस विंटर्स का दूसरा स्नोफॉल था। दूसरा स्नोफॉल में ही मतलब पहले स्नोफॉल की बर्फ़ थी, लेकिन दूसरा स्नोफॉल जब हुआ था तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई थी। वहाँ से हमारी सारी हिम्मतें ख़त्म। स्नो को देखकर खुशी तो बहुत मिली लेकिन हिम्मत चली गई थी हमारी। इंजॉय भी किया काफ़ी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी अपनी। मैंने कहा चलो चलते हैं और आगे चलते हैं। फिर हम यहाँ पे कुछ देर रहे, रुके, इंजॉय किया, फिर हम चल दिए आगे लेके के। फर्स्ट हमें केलोंग पे जाके रुकना था, केलोंग में हमें सोना था जाकर। तो हम रोहतांग से आगे रुके और काफ़ी मस्ती करी हमने यहाँ पर। सेम इसी तरह से मेरा भाई अब्दुल्ला कूदा, लेकिन उसके जूते ऐसे नहीं थे जो कि बर्फ़ को रोक सके। उसके जूतों में बर्फ़ भर गया और वहाँ से वो बंदा हिम्मत तोड़ गया। उसने जवाब बोल दिया कि भाई अब नहीं जाऊँगा मैं आगे, क्योंकि उसके पैर सुन्न हो गए थे, बहुत ज़्यादा सुन्न हो गए थे। तो मतलब वो आधा एक घंटे तक सिर्फ जिस चीज़ से परेशान रहा था। हमारे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है, अब्दुल्ले के साथ। ओरा इसके पैर सुन हो गए। तो बेचारा परेशान है। फिर से मनाया उसको और वो राज़ी हो गया आगे जाने के लिए। ठीक है, फिर हम चल पड़े केलोंग के लिए। आगे देखिए क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आगे पूरा देखना, स्किप नहीं करना प्लीज़ इसको।
यहाँ तक हम तकरीबन रोहतांग पास से 30-40 किलोमीटर चल चुके थे। मतलब हमने एक बीच में सीसू और कोकसर वगैरह ये गांव क्रॉस कर दिए थे हमने। तो हम यहाँ रुके, हम जहाँ पर हमें एक चाचा मिले आग जलाते हुए, वो तो अपनी आग छोड़कर चले गए थे, लेकिन हमने कहा भाई मौका अच्छा है, हाथ पैर हमारे सुन थे, तो हमने यहीं पर हाथ पैर अपने सेके और सूप बनाया, मैगी बनाई, खाया, फिर चल दिए हम आगे। कुछ ठीक था यहाँ पर, जैसे मेरे मोज़े जल गए इसके बाद और इसी आग में चले थे वो। और इससे पहले अब्दुल्ला ने अपने ग्लव्स खो दिए थे इसके हाथों में, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, काफ़ी कुछ गड़बड़ हो गई थी यहाँ तक, तो थोड़ी हिम्मत मैं भी हारने लगा था। तो इसके बाद हम सीधा केलोंग पहुँचे, लेकिन केलोंग में हमने देखा सन्नाटा, पूरे केलोंग में सन्नाटा था। मतलब वहाँ पे मेरा रुकने का ही मन नहीं किया, मैंने सोचा अब अगर आगे जाता हूँ तो रात हो जाएगी, तकरीबन 5 बज चुके थे यहाँ तक, तो मैंने आगे जाता हूँ तो रात हो जाएगी। मैं केलोंग गया, केलोंग से बिना कोई स्टॉप लिए वापस आ गया मैं कोकसर। तो कोकसर में हम रुके, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो कहाँ हैं हम, क्या नाम है इसका? कोकसर। कोकसर भाई अब्दुल्ला, ये घर, ये गलियाँ कोकसर में हैं, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, यहाँ लेटे हैं। गए केलोंग थे, अचानक से दिमाग बदला, केलोंग से वापस मनाली, लेकिन रास्ते में देखा बारिश है, बारिश और मौसम ख़राब है, रोहतांग पास से बर्फबारी है और रास्ता बहुत ख़राब है, और रात के 8 बज चुके हैं, शाम के 8 बज चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 बजे फुल रात हो जाती है इस इलाके में। फ़ोन में नेटवर्क तक नहीं है, कुछ नहीं है, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक आंटी जी ने चावल बनाए हैं। तो हम ये रोटी खा रहे हैं, ये मिल गया बहुत है कुक सर तो रात कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमने खाना खाया और सोने की कोशिश की, सो नहीं पाई क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम था वहाँ पर, ठंड बहुत ज़्यादा थी, पूरी रात बर्फबारी हुई। तो हमने डिसाइड किया कि वापस चलते हैं अब रोहतांग पास से मनाली, मनाली टू दिल्ली। तो रोहतांग पास पर हम आए तो देखा सड़क पर बर्फ़ जमी हुई थी, वो भी ट्रांसपेरेंट, अगर होती है मोटी बर्फ़ तो बाइक चल जाती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट बर्फ़ थी, वो भी बहुत अच्छे से रोड पर। ये बेचारे अब्दुल्ले को पैदल चलना पड़ रहा था, मैं अकेला ही बाइक चला पा रहा था, लेकिन फिर भी हम एक जगह बैठे, साथ में चलने की कोशिश की, हम गिर गए। तो मैंने भाई दोबारा कोई कोशिश ही नहीं की चलने की। इसके बाद ये बंदा और मैं बहुत ज़्यादा थक गए थे भाई, ऑफ सीज़न जाना बहुत मुश्किल है, अगर आप जा रहे हो तो अपने टायर्स के लिए चैन या रस्सियाँ ज़रूर लेकर जाएं। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, हवा कम कर लेनी चाहिए अगर आपकी बाइक फिसल रही है वहाँ पर, और पहली बात ऑफ सीज़न नहीं जाना चाहिए, और अगर बहुत बड़ा एडवेंचरस हो तुम तो जाओ भाई, तुम सब जानते हो अगर बहुत बड़ा एडवेंचरस हो। सुबह हम कोकसर से निकल गए थे तकरीबन 7 बजे और हम दिल्ली पहुँच गए थे रात में 9 बजे। तो शुक्रिया सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें मेरा चैनल, नया हूँ, अगर प्यार